वेलकम टू वीकली मार्केट एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम निफ्टी बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस करेंगे एंड नेक्स्ट वीक मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, कहां पर इंपॉर्टेंट लेवल है, कहां से मार्केट ब्रेकआउट ले सकता है, कहां से गिरावट आ सकती है मार्केट में, सब कुछ इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में समझने वाले हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा तो वीडियो को लाइक कर दो एंड दोस्तों अगर यार चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इसी तरीके के एनालिसिस वीडियो आपको यहाँ पर मिलते रहे। सो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के वीडियो की करते हैं हम शुरुआत। सबसे पहले हम निफ्टी की बात कर लेते हैं, एक बार वीकली टाइम फ्रेम पर थोड़े से चीजों को अच्छे से देख लेते हैं, फिर हम उसको बाद छोटे टाइम फ्रेम पर देखेंगे। लास्ट वीक अगर आप बात करोगे तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीक भी बताया था कि यहां पर मार्केट जो है होल्ड कर सकता है एक बार, क्योंकि यहां पर एक हैमर कैंडल बनती हुई नजर आई है एंड सेम वैसा ही हुआ, हैमर कैंडल के ऊपर ही कहीं ना कहीं मार्केट ने क्लोज किया है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीजें समझने वाली हमारे लिए क्या है कि अभी छोटे टाइम फ्रेम पर मार्केट चैनल के बीच में ट्रेड कर रहा है जो कि मैं आपको अभी दिखाऊंगा, बट अभी यहां पर बड़े टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक ग्रीन कैंडल जरूर बनी है। एंड ऑफ वीक काफी अच्छे लेवल पर मार्केट ने क्लोज किया, लेकिन ऊपर में जो मेजर रेजिस्टेंस है अभी भी मुझे दिख रहा है वो कहीं ना कहीं दिख रहा है आपको 24,700 से लगाकर 24,800 की रेंज, ये लेवल मार्क करके रखो 24,700 से 24,800 की रेंज। इस रेंज से मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमको दिख रहा है, कहीं ना कहीं यहां से मार्केट अगर होल्ड नहीं करता है इन लेवल के बीच से एक अच्छी खासी सेलिंग आ सकती है, तो ये लेवल आप मार्क करके रखना इस हफ्ते के लिए, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर ऊपर जाएगा तो यहां से फिर से मार्केट कहीं ना कहीं एक बार सेल ऑफ के लिए जरूर देखने को आपको मिल सकता है। चलिए अभी मैं बात करूं, कैंडल काफी अच्छी बनी है तो सेम अगर ये कंटिन्यू करता है तो कहीं ना कहीं इस तरीके से हिट करेगा, हिट करने के बाद दोबारा नीचे की तरफ आ सकता है मार्केट, ये थोड़ा सा हमको समझना। अब हम बात कर लेते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर क्या चल रहा है उसको हम समझ लेते हैं। कहीं ना कहीं देखोगे तो पूरे हफ्ते में कुछ भी नहीं हुआ, मार्केट सिर्फ खड़ा ही रहा, छोटी मोटी कैंडल्स बनती रही, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट होल्ड कर रहा है, मार्केट ऐसा नहीं है गिरा नहीं, क्योंकि यहां पर इंपॉर्टेंट लेवल क्या है 24,000 का लेवल। मैंने आपको पहले भी कभी बताया था कि अगर कोई इंपॉर्टेंट प्राइस होती है उस पर अगर मार्केट में मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंट प्राइस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्राइस आपको दोबारा मौका नहीं देगी वहां पर आने के, आप वहां पर बाइंग करने के लिए। तो जैसे 24,000 एक काफी ज्यादा राउंड लेवल नंबर है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, तो मार्केट ने एक बार मौका दिया 24,000 पर फ्रेश बाइंग करने का, उसके बाद मार्केट ने अभी तक मौका नहीं दिया, तुरंत वहां से बाउंस किया, तो ये चीज थोड़ा सा हमको साइकोलॉजिकल वाइज समझना है। अभी हम बात कर रहे हैं यहां पर देखो कहीं ना कहीं मार्केट इस तरीके से चल रहा है, मार्केट कंसोलिडेशन रेंज में ही चल रहा है इस तरीके से गैप डाउन ओपन होने के बाद, तो कहीं ना कहीं मार्केट क्या कर रहा है, ये जो गैप है इसको फिल करने के लिए आ रहा है। एक बार इस गैप को फिल करेगा एंड फिल करने के बाद मार्केट कहीं ना कहीं टर्न अराउंड हो सकता है या फिर मार्केट यहां से फिर ऊपर की तरफ जा सकता है। तो यहां पर कहीं ना कहीं जो हमको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल दिख रहा है ये दिख रहा है, इसीलिए मैं बता रहा हूं कि 24,700 से 24,800 का लेवल एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए हो जाता है, ठीक है। चलिए सेम चीज को 15 मिनट पर समझ लेते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम पर क्या चल रहा है मार्केट में, क्या वैसा पैटर्न दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, पैटर्न कौन सा दिख रहा है, ठीक है। अगर यहां पर ओवरऑल अगर मैं बात करूं यहां पर लेवल्स वाइज भी समझ लेते तो यहां पर मार्केट फिलहाल एक चैनल के बीच में ट्रेड कर रहा है, ठीक है। एक काफी अच्छा वॉलेटाइल चैनल है, लगभग 400 पॉइंट की रेंज ही हमको मान के चलो इतनी होगी, और कहीं ना कहीं देखोगे यहां से नीचे आता है ऊपर जाता है, नीचे आता है ऊपर जाता है। फिलहाल मैं बात करूं कहां पर खड़ा है तो आप खुद भी देख के बता दोगे, यहां पर एक रेजिस्टेंस एरिया के आसपास मार्केट भी ट्रेड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर यहां से गिरावट होती है तो फिर से इस नीचे की तरफ आ सकता है, 24,200 की रेंज तक हमको यहां पर फिर से आता हुआ नजर आ सकता है इस हफ्ते के अंदर, या फिर एक दो दिनों के अंदर ऐसे ही बड़ी रेड कैंडल के साथ आ सकता है, ठीक है। फिलहाल मैं बात करूं यहां पर इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, अगर मंडे को मान लीजिए मार्केट साइडवेज ओपन होता है, इंट्राडे में किस तरीके से प्लान करना, मान लीजिए मार्केट यहां का ही ओपन होता है, ओपन होने के बाद डायरेक्टली अगर नीचे निकल रहा है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये लेवल हिट कर चुका है, तो अगर डायरेक्टली यहां से नीचे निकल रहा है साइडवेज ओपन होने के बाद इस लेवल को क्रॉस करता है 24,476 लेवल मार्क करके रखो 24,476 या 475 का लेवल, इस लेवल के नीचे निकलता है तो इसके हम डायरेक्टली सेल के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट यहां से निकलता है नीचे में टारगेट रहेगा 400 का लेवल, नेक्स्ट टारगेट 300 का लेवल, नेक्स्ट टारगेट 200 का लेवल, ठीक है। इसी तरीके से मार्केट अगर साइडवेज ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ जाता है तो पहली बात क्वांटिटी आपकी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, जो भी आप नॉर्मल क्वांटिटी ट्रेड करते हो थोड़ी क्वांटिटी कम कर लीजिएगा, ठीक है। ऊपर में फिर टारगेट क्या हो सकता है, अगर मान लीजिए डे का हाई ब्रेक करके निकल रहा है तो ऊपर में टारगेट रहेगा 700 का लेवल, ठीक है। 700 का लेवल मार्क करके रखो, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से सेलिंग आ सकती है। 700 से 800 का लेवल, ये पूरा जोन इंपॉर्टेंट है, यहां पर ट्रेड नहीं करना है, यहां से अगर टर्न अराउंड होगा तो एक अच्छी गिरावट आ सकती है। तो आई होप कि ये चीज क्लियर है, यहां से एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, अगर यहां पर बाय कर रहे हो तो कहीं ना कहीं यहां पर एक प्रॉफिट बुकिंग आपकी यहां पर होनी चाहिए, ठीक है। आई होप कि निफ्टी का आपको क्लियर आ गया किस तरीके से हम चीजों को प्लान करना है, ठीक है। अब मैं बात करूं यहां पर बैंक निफ्टी के बारे में, बड़े टाइम फ्रेम पर एक बार बैंक निफ्टी को भी समझ लेते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम पर मार्केट क्या कर रहा है एंड क्या कर सकता है वो उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है।
यहाँ पर देखोगे लास्ट टाइम जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी में ऑलरेडी टॉप लेवल से काफी अच्छा सेलअप आ चुका है, कंसोलिडेशन मार्केट चल रहा है, कहीं ना कहीं सपोर्ट एरिया के आसपास 50,000 का लेवल है एंड 49 से 50 की रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा है, कहीं ना कहीं सपोर्ट एरिया के आसपास है। ठीक है, फिलहाल मैं बात करूँ यहाँ पर जो लास्ट टाइम कैंडल बनी थी सेम वैसी कैंडल फिर से डोजी कैंडल बनती हुई नजर आई, कहीं ना कहीं नीचे से बाइंग आ रही है, कहीं ना कहीं मार्केट होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो आने वाले टाइम पर डेफिनेटली इस तरीके का भी चैनल दिख रहा है, तो अगर इस चैनल का अपसाइड ब्रेकआउट होता है तो एक अच्छा मोमेंटम बैंक निफ्टी के अंदर आ सकता है, काफी अच्छी रिकवरी आ सकती है, क्योंकि लास्ट टाइम हर बार देखोगे मार्केट जब भी सपोर्ट के आसपास आता है फिर सपोर्ट लेकर यहां से बाउंस करता है, सपोर्ट लेकर बाउंस करता है, इस तरीके से अगर ब्रेकआउट होता है तो बाउंस करेगा। एंड मान लीजिए इस चैनल का नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हो जाता है और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन नीचे की तरफ होता है 49,000 के नीचे मार्केट आता है तो कहीं ना कहीं एक बड़ी गिरावट आ सकती है 49,000 के नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूं यहां पर डेली टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं, लेवल्स वाइज समझ लेते हैं किस तरीके से चीजों को हम प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखोगे यहां पर एक चैनल हमको दिख रहा है। ठीक है, क्लियर कट पैटर्न कौन सा दिख रहा है, फ्लैग एंड पोल पैटर्न हमको यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है, इस तरीके से पैटर्न बन रहा है, तो कहीं ना कहीं ये पैटर्न का अपसाइड ब्रेकआउट यहां पर होगा 51,000 के लेवल के आसपास। ठीक है, मेजर क्या नंबर है, 51,000 का लेवल, अगर इसके ऊपर मार्केट निकल रहा है तो कहीं ना कहीं तेजी के लिए प्लान कर सकते हैं, मार्केट में एक अच्छी तेजी आ सकती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो पोजिशनल प्लान करते हैं इसका ब्रेकआउट का इंतजार करो, इसका ब्रेकआउट होगा एक अच्छा मोमेंटम आपको 2-4 दिनों में या 4-5 दिनों के अंदर एक अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है, एक काफी अच्छा पोजिशनल जो ट्रेड प्लान करते हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, चलिए इसको छोटे टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं कौन से लेवल पर एक्जैक्टली ब्रेकआउट है, इंट्राडे में किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं मंडे को उसको भी हम समझ लेते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं मार्केट देखोगे हाई लेवल के आसपास 50,500 के आसपास क्लोज किया है और कहीं ना कहीं ये रेजिस्टेंस एरिया भी हमको देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर ये तीन लेवल मार्क करके रखना आप, यहाँ पर ये जो जोन मैंने आपको बताया यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया इसके जोन के आसपास। ठीक है, तो कहीं ना कहीं लेवल ये मार्क करके रखो 800 से 900 का लेवल। ठीक है, इस लेवल को हिट करने के बाद मार्केट क्या रिएक्शन देता है उस पर डिपेंड करेगा मार्केट कहाँ पर जाएगा। अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ से साइडवेज ओपन होने के बाद इस तरीके से क्रॉस कर रहा है तो आप बाय के लिए प्लान कर सकते हो या फिर इग्नोर कर सकते हो। इस लेवल को हिट करने के बाद अगर मार्केट गिरता है तो आप सेल के लिए प्लान करोगे, इस लेवल को हिट करने के बाद मार्केट अगर ऊपर की तरफ निकल रहा है तो ब्रेकआउट पर हम बाय के लिए प्लान करेंगे, क्योंकि बड़ा ब्रेकआउट यहां पर होने वाला है जैसा कि अभी हमने डेली टाइम फ्रेम पर भी देखा। ठीक है, तो 51,000 का लेवल या फिर 50,900 के छोटे टाइम फ्रेम पर 50,900 का लेवल हमको दिख रहा है। ठीक है, ये ब्रेकआउट पर हम बाय के लिए प्लान करेंगे, अदरवाइज मार्केट साइडवेज ओपन होता है, ओपन होने के बाद डायरेक्टली सेल ऑफ आता है 50,400 के नीचे। ठीक है, 50,400 के नीचे निकलता है इसके नीचे हम सेल के लिए प्लान कर सकते हैं। ठीक है, फिर नीचे में छोटे छोटे टारगेट हमारा होगा, मेजर टारगेट आपका होने वाला है 50,000 का लेवल, ये लेवल क्रॉस करेगा फिर नीचे में एक बड़ा टारगेट आपको मिलने वाला है डायरेक्टली 49,400 के आसपास या फिर 49,500 के आसपास नेक्स्ट बड़ा टारगेट हो सकता है। ठीक है, आई होप कि क्लियर है किस तरीके से निफ्टी बैंक निफ्टी को प्लान करना है एंड किस तरीके से चीजें हमारी प्लान होनी चाहिए वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आया वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले वो आपको मिल पाए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।